दोस्तों 2020 में विधानसभा चुनाव में दरभंगा में राजद को लड्डू तो नहीं मिला था, एगो सीट मिला था मनीगाछी वाला। हाँ, आ उन्हीं को टिकट दे दिए हैं लोकसभा में। मतलब आपका दरभंगा जिला में डूबते को तिनका का सहारा, तो राजद को ललित यादव जी का सहारा, तो उन्हीं के सहारा पे लगता है कि लोकसभा चुनाव किसी तरह से लड़ करके इज्जत बचा लीजिए। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ललित यादव जी ऐसे योद्धा हैं। जिस समय ललित यादव जी को 1995 में टिकट दिया गया था मनीगाछी से, उस समय क्या था ऐसा वहां पर सामाजिक समीकरण था, कोई चुनाव लड़ना नहीं जानता चाहता था वहाँ। और उस बीच में ये योद्धा गया और 95 से आज तक हारा नहीं, हार कभी देखा ही नहीं। और आपका जो अगला कैंडिडेट है वो कभी जीत देखा नहीं। एक बार जीता बेनीपुर से, दूसरे बार 30,000 से हार गया, इस बार यहाँ से लड़ रहा है, जीता इस बार हारेगा 3,00,000 से। अच्छा, ये दरभंगा में क्या गो विधानसभा क्षेत्र है? 10 गो विधानसभा क्षेत्र है। 10 गो विधानसभा क्षेत्र में ललित यादव जी के पर्सनालिटी के बारे में आप जो बराई कर रहे हैं, तो उनके दम पे राजद एगो सीट जीत गई। राजद में ये क्षमता नहीं है कि आप 9 गो सीट पे जीत। ललित जी राजद में है। अच्छा, कि आकाश में है? 9 गो सीट पे क्या? नहीं, 9 गो सीट पे। पहले इस पर आइए, ललित जी है किस पार्टी में? राजद नहीं, जनता दल से राजद में आए। अच्छा, जनता 95 में जो विधायक बने थे जनता दल से। अच्छा, 97 में उदय हुआ राजद का। हाँ। और तब से आज तक एक व्यक्ति के साथ, लालू प्रसाद यादव जनता राजद के साथ, वो आदमी मुस्तैदी के साथ है। हाँ। तो मेरा बेटा जो सबसे मजबूत होगा अखाड़ा में, उसी को उतारेंगे ना। तो जो आज जो पार्टी 9 गो सीट पे हार गई पूरा जिला में, नहीं नहीं हमको बताइए, वो आप सोच रहे हैं कि एक बार लोकसभा फतह कर देंगे? कैसे? एक मिनट मिनट, आप कह रहे हैं 9 में हार गया, साजिश करके हरा गया, पूरा बिहार हम जीत रहे थे। कैसे? आप देखिए कैसे आप लोग क्या कहते हैं क्या? कि बीजेपी जीत लिया 39 गो सीट। हाँ। एक आप जीते। हाँ। महागठबंधन। हाँ। और हम कह रहे हैं कि उसके बाद विधानसभा चुनाव जो हुआ उसमें हम इतना बढ़िया प्रदर्शन किए, इसको लोग भूल जाता है। अच्छा। तो जो लेटेस्ट चुनाव होगा उसकी ना बात कीजिएगा। नहीं, एक तेजस्वी यादव। हाँ। और उधर कौन? प्रधानमंत्री। हाँ। जेपी नड्डा। हाँ। गृह मंत्री। हाँ। और बिहार का टोटल बीजेपी और जनता दल यू का आमला। हाँ। और उसके जो कोऑर्डिनेशन है उसका आमला। हाँ। और अकेला एक लड़का 30 साल का लड़का। हाँ। सबको अकेले पानी पिला दिया। इस बार तो आप भी तो बैनर पे 10 गो पार्टी का लगाए। नहीं सर, सर आप जो 39 लड़ते हैं। हाँ। तो बाद में जो चुनाव हुआ उसकी बात न होगी। हाँ। तो ये क्यों नहीं कहता है कि वो आदमी जो बाद में जो विधानसभा चुनाव हुआ। हाँ। अकेले प्रधानमंत्री को परास्त कर दिया, इस पर क्यों नहीं आते हैं? 39 का बात क्यों करते हैं? दरभंगा में काहे हार? दरभंगा में साजिश तरह हराया गया। अच्छा, हारे नहीं, हराया गया। आप देखिए हमारा जहां जहां चुनाव हुआ, हमारे प्रवक्ता हैं उनको 17 वोट से हरा दिया, रितु जसवाल को 150 वोट से हरवा दिया। और ईवीएम में काउंट होता है तो 2 रात तक काउंटिंग चलता है। अच्छा, एक चीज बताइए, ये तो देश का चुनाव है, वो विधानसभा चुनाव था, राष्ट्रीय स्तर पे आपके पास तो है लड्डू, आपका क्या औचित्य है राष्ट्रीय स्तर पर जो राष्ट्रीय चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे पे आरजेडी को महागठबंधन को लोग वोट दे देगा? लड्डू नहीं है ये, मेरा कम्बिनेशन जो है। हाँ। वो कांग्रेस के साथ है। अच्छा। और कांग्रेस में जब विदेशी महिला का के पुकारा गया। हाँ। तो लालू प्रसाद सिंगल आदमी है। हाँ। जो लाठी लेके सोनिया की जगह खड़ा हो गई। हाँ। और कहीं नहीं ये भारत की बहू है। अच्छा। तो हम तो जिसके साथ हैं जब से हैं तब से हैं। हाँ। और एकदम लाठी लेके खड़ा है। हाँ। लालू यादव अगर बीजेपी में चल जाते। हाँ। तो आज जेल जाते क्या? अच्छा। वो उस मशीन में जाके स्वाफ नहीं हो जाते? लालू यादव जेल जाना पसंद किया। हाँ। सेक्युलरिज्म के नाम पर। हाँ। सामाजिक न्याय के नाम पर। हाँ। सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर। हाँ। टस से मस नहीं हुआ। हाँ। ये लालू यादव दरभंगा सीट जीत जाइएगा? दरभंगा नहीं, तो? हम पूरे बिहार जीत रहे हैं। अच्छा। दरभंगा तो कहना ही नहीं, ये व्यक्ति तो कभी हारा ही नहीं। जिस व्यक्ति को यहाँ टिकट दिया गया, हम तो कोटि कोटि बधाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देते हैं कि ऐसे योद्धा को आपने उतारा। ये आन मान और शान है राजद का। हाँ। तो बहुत अच्छा काम किया। हाँ। और हम इस बार जो तेजस्वी यादव का प्रभाव है। हाँ। लालू यादव का प्रभाव है। हाँ। महागठबंधन का प्रभाव है। हाँ। इंडिया गठबंधन का प्रभाव है। हाँ। हम पूरे बिहार जीत रहे हैं। 400 पार का नारा बिहार में नहीं चलेगा? 400 पार का? हाँ।
अब एक बात कहें, ये 400 पार क्यों कहता है? इससे पहले जहाँ जहाँ चुनाव लड़ा है, जितना पार किया, देख लीजिए क्या स्थिति हुआ है। ये 400 पार ये कहा था 15 लाख हम खाता में भेज देंगे, भेजा। उसके बाद क्या कहा, जुमला था ये 400 पार, ये इसका जुमला निकलेगा, ये जुमले बाद पार्टी है। एगो एगो तो आप बता रहे हैं 15 लाख वाला, अब 3-4 को हम बताते हैं। 370 हटाए, तीन तलाक लाए, उसके बाद राम मंदिर बनवाए, ठीक। तो जो राम को लाए हैं लोग काहे नहीं उनको लाए? ठीक ठीक, हम जवाब दे दें इसका। 370 आप लाए, तो 370 जो लाए तो क्या इसमें 30 मार कहाँ हो गया? 370 ला के क्या कर लिया आप? हम सामाजिक न्याय और सांप्रदायिक सद्भाव की बात करते हैं, अखंड भारत की बात करते हैं। क्या कश्मीर हमारा भाग भाग के पास? आप पे तो नहीं, नहीं, आपने आपने 370 लाया तो जो विहित कश्मीर है पाकिस्तान में उसको क्यों नहीं लाया? आप 370 पर एनर्जी लगाने क्या जरूरत था? आप जो मेरा कश्मीर जो जो पाकिस्तान में है, अधिकृत कश्मीर का जिस देश की बात हम करते हैं, उसको क्यों नहीं लाए भारत? इस बार लाएंगे ना 400 सीट जीतने के बाद? इस बार वो लाएंगे क्या करेंगे? अरे तो बोले हैं ना, नहीं नहीं 400 अगर आ जाएगा तो इस देश में संविधान को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जो संविधान है उसको खतरा है। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है संविधान के धारा 300, संविधान में जो लिखा गया है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा है उनको हम आरक्षण देंगे, इसको ये खत्म करेंगे, ये हरिजन ये दलित हमारे जो SC ST का जो आरक्षण है उसको खत्म करेंगे।